हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और एक्सेल का 2007 वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। और आज की ये वीडियो खास इसलिए भी होने वाली है क्योंकि मैं आज आपको रैप टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। तो रैप टेक्स्ट के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है, मैं क्लास भी अक्सर लेता रहता हूँ तो सर ये रैप टेक्स्ट का भी क्वेश्चन भी आ जाता है ऐसा, व्हाट इज रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट के बारे में स्टूडेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाते। देखिए रैप टेक्स्ट काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ इस सेल में अपना नाम लिखता हूँ, तो पूरा नाम लिखता हूँ, तो ये मैंने लिखा सूरज कुमार और फिर यहाँ लिखता हूँ तिवारी। तो आप देख पाएंगे कि जब मैं ये नाम लिख रहा हूँ तो ये इस सेल से बाहर निकलता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पर इसको रिसाइज करना है, तो रिसाइज करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करता हूँ। तो ये देखिए रिसाइज हो गया, लेकिन रिसाइज होने के बाद ये कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई है, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये कॉलम जितना चौड़ा था उतने ही चौड़े में ये पूरा उसी कॉलम में आ जाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं रैप टेक्स्ट। ठीक है, बात समझ में। यहां पर इस पे क्लिक कर दीजिए और रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। तो होम टैब में यहां पर अलाइनमेंट के सेक्शन में आपको रैप टेक्स्ट मिल जाता है, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे इसकी हाइट बढ़ गई है, ये जो सेल है इसकी हाइट बढ़ गई है। और हाइट बढ़ने के बाद आप इसे अलाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर आपको कुछ इस तरह का एक्सेल में करना है तो आप बड़े ही आसानी के साथ कर पाएंगे, ये बहुत इजी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसको एमएस वर्ड में कैसे कराते हैं ये अलग वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।